आगे बात है सहनन की। ये सहनन तो हमने बहुत बार सुना है। क्या सुना है? वज्र ऋषभ नारा सहनन वाला सुना है कि मोक्ष जाने वालों को होता है, तो ये सहनन उनको मोक्ष में ले जाता है कि नहीं जाता? नहीं ले जाता, नरक में भी जाता है, नरक में भी जाता है, स्वर्ग में भी जाता है। सहनन से कहाँ जाना ये नक्की नहीं होता है, कहाँ नहीं जाना ये तो नक्की हो सकता है। क्या कहना चाहते हैं? जो मोक्ष जाने वाले, जो चरम शरीर यानी उसी भव में मोक्ष जाने वाले जो जीव है, उनको नियम से ये जो कौन सा पहला वाला वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होता है। ये सहनन क्या है? तो हड्डियों की जो मजबूती है, वज्र समान जो हड्डियाँ और वज्र समान उसका वेष्टन यानी उसका कवरिंग, जिसको हम पेरियोस्टियम कहेंगे हमारी डॉक्टरी भाषा में, और उसके वज्र के ही कीले होते हैं जॉइंट्स में, उसको कहेंगे वज्र ऋषभ नाराच सहनन। तो मोक्ष जाने वाले जीवों को वही सहनन नियम से होता है, क्योंकि उस सहनन के बिना जीव क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता, ऐसा नियम है। अन्य भी बहुत सारे नियम हैं सहनन के, जो हम आगे चलकर देखेंगे, परंतु सातवें नरक में जाने वाला भी वज्र ऋषभ नाराज सहन जाने वाला हो, यानी मनुष्य और तीर्यंच यानी जो मत्स्य है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले जीव ही मरकर सातवें नरक में जाएंगे। जिसको वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं है वो सातवें नरक में भी नहीं जाएंगे, और ऐसा सहनन या तो मनुष्यों में पाया जाएगा या तो वो मत्स्यों में पाए, अन्य तीर्यंचों में भी नहीं पाया जाता। आपने वो तंदुल मत्स्य की स्टोरी सुनी होगी। एक है वो बड़ा राघव मत्स्य, वो तो सोया है ऐसा जबड़ा फाड़ के, अनेक मछलियाँ अंदर आती है और चली जाती उसके श्वास के साथ, और वो क्या सोचता है, अरे मैं होता तो सबको खा जाता, उसने खाया तो कुछ नहीं है, फिर भी देख देख कर भाव किए जैसे हम करते रहते हैं। तो ये ऐसे भाव के फलस्वरूप कहाँ पहुँचा? सातवें नरक। उसका अर्थ उसको भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन होना चाहिए, तभी तो जाएगा, अन्यथा नहीं जा सकता। तो छोटा आकार है इसलिए वो सहनन नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। हाँ, ये कुछ बातें जो हम प्रथमान योग की भी है या कोई ऐसे जो हम शास्त्रों में से देखते हैं, तो उसके ये ऐसा हम इन्फ्रेंस भी, उसका निर्णय भी कर सकते हैं। ये सहनन के छह प्रकार के जो सहनन है उसके नाम क्या है देखते हैं। यहाँ पर अभी जो आपने 25 ये जो सहनन जो है, अभी इस पंचम काल में नीचे के तीन ही सहनन पाए जाएंगे, उससे ऊपर के नहीं। वज्र नाराज भी नहीं है और नाराज भी नहीं है, इसलिए इस काल में क्षपक श्रेणी के तो सवाल ही नहीं, उपशम श्रेणी भी कोई नहीं चढ़ सकता, परंतु सातवें गुणस्थान तक जा सकता है नीचे के तीन सहनन के साथ। ये छठे वाला जो सहनन है असंप्राप्त सुपाटिका, उसके साथ भी सातवां गुणस्थान प्रकट हो सकता है। अरे चौथे काल में भी छह सहनन पाए जाएंगे। भोग भूमि में तो सबको, महिलाओं को भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है, परंतु वे तो स्वर्गों में ही जाती है। सभी मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में जाते हैं और सभी सम्यक दृष्टि सौधर्म और ईशान में जाते हैं, उसके ऊपर तो जा नहीं सकते। इसलिए सहनन के कारण कुछ बड़ा कार्य होगा ऐसी बात नहीं है, फिर भी इसको निमित्त रूप से बताया जाता है कि कौन सा सहनन वाला जीव मरकर कहाँ कौन से स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है, कौन से सहनन वाला जीव मरकर कौन से नरक तक उत्पन्न हो सकता है, कौन से सहनन वाले की कैसी कैसी अवस्था होती है। देव और नारकियों के तो सहनन ही नहीं होता वैक्रियक शरीर वालों को, और ना ही एकेंद्रियों के ये सहनन नाम कर्म का उदय पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मनुष्यों में और तीर्यंचों में, और उस सहनन के साथ वो मरकर कहाँ जाते हैं इसके नियम शास्त्र में बताए। एक कर्णानुयोग के ऐसे नियम है कि बिल्कुल उसको जानकर हम निर्णय तक पहुँच सकते हैं। तो ये तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला जो सहनन है उसके नाम देख लेते हैं। 25 पृष्ठ पर है वज्र ऋषभ नाराज सहनन। जिस शरीर में वज्रमय हड्डियाँ, वज्र ऐसा होता है कि वो तो वज्र से तो पर्वत भी ये टूट जाए, वज्रमय वेष्टन से वेष्टित है और वज्रमय नाराच द्वारा कीलित है, नाराच यानी उसकी जो कील, उसे वज्र ऋषभ नाराज सहनन कहते हैं। जो वज्र समान अभेद्य है उसे वज्र कहते हैं, ऋषभ अर्थात उसका बंधन और नाराच यानी कील
जैसे लोहे की कील लकड़ी में ठोकते हैं वैसे उनके जॉइंट्स पाए जाते हैं। वज्र नाराज, जिस शरीर में हड्डियां तो वज्र समान है परंतु वज्र का वृषभ यानी बंधन नहीं पाया जाता, सामान्य वृषभ होता है। फिर नाराज सहनन, जिस शरीर में हड्डियों की संधि, संधि यानी जॉइंट्स, इसको संधि कहते हैं ना, जॉइंट है, वो सामान्य नाराज द्वारा कीलित है परंतु वज्र समान नाराज द्वारा नहीं है, उसे नाराज कहेंगे। अर्धनाराज, जिस शरीर में हड्डियों की संधि नाराज द्वारा अर्ध कीलित है, आधी ही उसके है और आधी तो बिना कीलित है यानी फिक्स नहीं है उस। कीलित सहनन, जिस शरीर में वज्र की हड्डियां नहीं है और वे परस्पर कीलित है उसे कीलित सहनन कहते हैं। और असंप्राप्ता सुरुपाटिका सहनन यानी असंप्राप्त असुरुपाटिका, उसका अर्थ क्या है, शरीर में हड्डियां परस्पर में प्राप्त नहीं होती है, सरीसृप की हड्डियों की भांति नसों द्वारा परस्पर में बंधी हुई होती है। यानी जो हमारे जॉइंट्स है, यहाँ का हो या घुटने का हो या कोई भी है, तो ये हड्डी एक दूसरे में फिक्स नहीं है, ये अलग अलग है और उसके ऊपर जो हम टेंडन कहते हैं, मसल्स कहते हैं, स्नायु कहते हैं, उसके द्वारा वो एक दूसरे के साथ ऐसे बंधी हुई है, जुड़ी हुई है और एक दूसरे के ऊपर ऐसे मूव होती है। ये जो है ना, ये हड्डी अलग है, ये हड्डी अलग है और ये एक दूसरे के साथ केवल इस तरह से घिसती रहती है और ये दूर नहीं होती है क्योंकि वो तो बंधन से, कौन से, ये स्नायु से बंधी हुई है। ये हमारा आपका जो कुछ हीन सहनन है वो इस प्रकार का है, उसमें कोई कीली कीले से वो फिक्स नहीं है। ये हमने 6 अलग अलग सहनन देखे हैं।